फ्रेंड्स आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं दुबई गया था, 3-4 दिन का टूर था, घूमने के पर्पज से गया था। और मेरे पास उस टाइम पे कोई भी कैमरा नहीं था, मेरे पास जो भी था मेरे पास मोबाइल था, छोटा सा एमआई का मोबाइल था। अब क्या था कि यार वहाँ पर जितनी भी जगह पर मैं घूमने गया था, दुबई मॉल गया था, डेजर्ट सफारी गया था, और जो भी बीचेस थे और जो भी बुर्ज खलीफा हो गया, सारी चीज़ों मैंने जितना भी मेरी मेमोरी थी ना, मैंने सारी अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रखी हुई थी। एक दिन ऐसी प्लान बना कि मैंने सारा जितना भी डेटा था अपना वो मैंने अपने लैपटॉप में कॉपी कर दिया दुबई विजिट के नाम से एक फोल्डर बना के। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा था वो डिलीट हो गया था मेरे मोबाइल से, पर जो भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ थी वो मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड वीडियोज़ अपने लैपटॉप के अंदर कट करके पेस्ट कर दी। अब क्या हुआ यार, अचानक वो जो फोल्डर था, पर्टिकुलर दुबई विजिट वाला फोल्डर था, उसके अंदर जो डेटा था गलती से वो सारा का सारा डेटा मेरे से डिलीट हो गया। अब हुआ क्या कि मैंने उस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा था ना वो सारा डिलीट तो हो गया, बट मैंने उसके अंदर उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अभी तक कोई भी डेटा मतलब डाला नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार वो सारा का सारा डेटा मेरा रिकवर हो जाए एज इट इज। क्योंकि देखो यदि आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन फंस गई जिसमें आपने कोई भी आपके डेस्कटॉप से कोई फाइल डिलीट हो गई या फिर कोई भी ड्राइव से आपकी फाइल डिलीट हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा यार, वो भली इंपॉर्टेंट फाइल भी होगी या वैसे नॉर्मल फाइल भी होगी ना, तो आपको यार ये लगेगा कि जो मैंने काम किया या जो भी फाइल्स थी मेरी यार वो कैसे डिलीट हो गई। कोइंसिडेंटली हो जाता है कभी कभी कि हम काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा फोल्डर होता है, सिमिलर फोल्डर होता है, जल्दीबाजी में फाइल डिलीट हो जाती है हमसे। अब सेम केस मेरे साथ ये था कि जो भी मेरी मेमोरी थी यार, मैं दुबई घूमने गया था, ज़्यादा इमेजेस नहीं थी, 15-20 इमेजेस थी और 5-7 वीडियो शूट करी थी, मेरी सारी की सारी वीडियोस दुबई वाले फोल्डर के अंदर सेव थी। अब मैं चाहता हूँ यार वो सारी की सारी वीडियोस और सारी की सारी जो फोटोज़ हैं मेरी एज इट इज़ रिकवर हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो 2 GB का शायद ऑन अराउंड 1-2 GB का आसपास का डेटा होगा। ठीक है, यदि मैं कोई पेड टूल से उसको रिकवर करूँगा तो मुझसे पैसे मांगे जाएंगे और शायद मैं परचेज नहीं करूं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी परचेज नहीं करता है। थोड़े बहुत जो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मतलब लेना ही लेना है तो वो ले ही लेते हैं, बट जो चाहते हैं कि नहीं यार मैं पेड सॉफ्टवेयर का नहीं है, भले मैं कैसे भी करके उसका काम चला लूं, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डिलीटेड डेटास को ऐसे रिकवर कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही रिकवर करोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, मतलब 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि देखो गाइस, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है वो इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ मेरी फोटोज वीडियोस के साथ हुआ है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा हो, इंपॉर्टेंट फाइल हो, जो आपकी ड्राइव से डिलीट हो जाए या फिर आपके डेस्कटॉप से डिलीट हो जाए या आपके कोई फोल्डर से डिलीट हो जाए या आपके मेमोरी कार्ड से डिलीट हो जाए, कहीं से भी डिलीट हो जाए, आप उसको विद इन अ सेकंड कैसे रिकवर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल 0 अमाउंट के अंदर। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एक टूल रिकवरी टूल डाउनलोड करने वाला हूँ जिसकी कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपये है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 101% आप फ्री में डेटा को रिकवर करके दिखाओगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक डालना होगा, सर्च करना होगा डाउनलोड, DOWNLOAD डाउनलोड रिकुवा, RECOVA। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, RECUVA। ठीक है, तो पहली जो लिंक आएगी, ठीक है पहली लिंक को तो छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सी क्लीनर का एक बेहतरीन टूल मिलने वाला है। सी क्लीनर के थ्रू ये पब्लिश किया हुआ रिकुवा का ऑफिशियल वर्जन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छे से देख लेना, www.ccleaner.com। यहाँ पर आपको डाउनलोड रिकुवा का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे आप इसके ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। कोई भी ऐड वाली लिंक पर क्लिक मत करना, कुछ भी मत करना, आपको इसके ऑफिशियल ही पेज से करना है। मैं आपकी इसकी लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक, सीधा आप डायरेक्टली उस पेज पर रिडायरेक्ट होकर उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड फ्री वर्जन आपको मिलने वाला है, ये रिकवरी डिलीटेड फाइल्स को आप विद इन अ सेकंड रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर इस फ्री टूल को डाउनलोड करना है, मैं फ्री टूल को ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, फिर भी देखो यहाँ पर 3 आपको वर्जन मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको फ्री डाउनलोड वाले वर्जन को क्लिक करना है, कोई भी पेड वाले प्रोफेशनल वर्जन को क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्री वाले वर्जन को क्लिक किया, इस तरीके से आप रिडायरेक्ट होगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है, और डाउनलोड वाले पे क्लिक करते ही सिंपली ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड मेरा यहाँ पर हो चुका है, अब चलते हैं फिर। तो ये जो है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा और उस वाले फोल्डर से जो भी मेरी फाइल्स डिलीट हुई है उसको स्कैन करूंगा कि क्या वो सारी फाइल्स मेरी रिकवर हो पाएंगी। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल 0 रुपीज में मतलब फ्री में आप कैसे डेटा को रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा,
हो सकता है इसमें इंटरनेट की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि जब न्यू पैचेस कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो अपडेट लेता है उसके सर्वर से, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। तो गाइस डेटा रिकवर करने से पहले मैं आपको दुबई विजिट वाला पहले फोल्डर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ड्राइव है, ठीक है, इस कौन सी ड्राइव में था, वो अदर वाली ड्राइव के अंदर था, और यहाँ पर दुबई विजिट वाला फोल्डर, ओके, ये दुबई विजिट वाला फोल्डर अभी की डेट में एम्प्टी है पूरा का पूरा, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पर ये 0 byte, मतलब कोई भी डेटा यहाँ पर, कोई भी फाइल्स मेरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मेरा एक्सीडेंटली मेरा सारा डेटा जो था वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया शिफ्ट डिलीट। अब मैं इस फ्री टूल के थ्रू आपको पूरा का पूरा डेटा रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर ही लिया है, यहाँ पर शॉर्टकट आ गया है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है, सिंपली शॉर्टकट वाले आइकन पे मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको यदि सारी की सारी फाइल्स आपको रिकवर करनी है, मतलब आपको नहीं पता कि मेरे पास उस फोल्डर के अंदर या उस ड्राइव के अंदर कौन सी फाइल स्पेसिफिक फाइल्स थी, तो आप ऑल फाइल्स पे क्लिक करके रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज यदि आपको पता है कि आपके पास पिक्चर वाली आपके फोल्डर के अंदर या ड्राइव के अंदर पिक्चर थी, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स थे या वीडियो थे या कोई स्पेसिफिक फाइल थी, ईमेल की फाइल थी, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर मुझे पता है वैसे तो कि मेरे पास फोल्डर में मेरे पास वीडियोस थी, मेरे पास फोटोज थी, तो यहाँ पर मैं ऑल वाले पे आपको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑल वाले सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं नेक्स्ट किया, और यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि आपका कौन सा फोल्डर है, अदरवाइज नहीं पता तो आप पूरा का पूरा कंप्यूटर स्कैन करके उन फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। यदि आपको आपके मेमोरी कार्ड से रिकवर करना है या आईपॉड के अंदर रिकवर करना है, तो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर से भी उसको डेटा को रिकवर कर सकते हो, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक माई फोल्डर वाले फोल्डर के अंदर से डिलीट हुआ था आपको, मतलब काफी ओल्ड फोल्डर्स हैं यहाँ पर काफी सिलेक्शन है। यहाँ पे रिसाइकल बिन के अंदर से भी आपको रिकवर करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बट यहाँ पर मेरे पास जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है, मैं उसको फोल्डर को सिलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे ब्राउज करने वाला हूँ। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ मैं पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे अदर्स वाली ड्राइव के अंदर मेरे पास जो फोल्डर था ये माई दुबई विजिट, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई भी डेटा डिलीट हुआ है, किसी भी ड्राइव के अंदर से डिलीट हुआ है, किसी भी फोल्डर के अंदर से डिलीट हुआ है, तो यहाँ पर रिकवरी जब भी पॉसिबल है, जब आपका उस पर्टिकुलर जो आपका सेक्टर है उसका रिकवरी सेक्टर है वो आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। इट मीन्स ये है कि आपका पर्टिकुलर फोल्डर फाइल जो भी आपका डेटा जिस भी पर्टिकुलर ड्राइव से डिलीट हुआ है, उस ड्राइव के अंदर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी डेटा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, न्यू डेटा कोई भी नहीं डालना है, क्योंकि यदि आपने कोई भी न्यू डेटा डाल दिया तो उसके अंदर जो भी उसकी मेटा कीज होती हैं वो उसके जो सेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ओवरराइट हो जाएंगे, मतलब आपका पुराना डेटा की जो पॉसिबिलिटी होगी रिकवर करने की वो इस फ्री टूल के थ्रू रिकवरी नहीं बन पाएगी। आपको फिर पेड टूल्स की का मतलब जो भी है हेल्प लेनी पड़ेगी, वो यहाँ पर हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फोल्डर है उसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया, एज इट इज मेरी जो फोल्डर है वो एज इट इज यहाँ पर है, मतलब मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, और भले वो कितने भी पुराना फोल्डर हो, कितने भी पुराना ड्राइव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके अंदर कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंटली यदि डिलीट हो गया तो इमीडिएटली आप रिकवरी टूल को डाउनलोड करके इमीडिएटली उसको रिकवर कर लो, अदरवाइज गलती से भी कोई भी डेटा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया उस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के अंदर या फिर ड्राइव के अंदर या फिर कोई मेमोरी कार्ड के अंदर, तो रिकवरी पॉसिबल इस टूल के थ्रू नहीं होने वाली है। तो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया माई दुबई वाली विजिट फोल्डर, और यहां पर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं कि यहां पर ये बिल्कुल खाली है, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने इसको साइड में किया आपको दिखाने के लिए, मैं यहां पर सारे जितने भी मेथड है यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैंने यहाँ पर अभी कोई भी चीज नहीं है, और यहाँ पर मैंने सिंपली इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट जैसे ही मैं करूंगा इमीडिएटली यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर आपको इनेबल डीप स्कैन का आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको यदि डीपली स्कैन करना है, मतलब आप नहीं चाहते कि मेरी एक भी फाइल मिस हो, तो आपको ये इनेबल डीप स्कैन वाले पार्ट पे क्लिक कर देना है, और इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क है, देखो आपको वेट करना पड़ेगा यदि इनेबल डीप स्कैन वाले आपने मेथड पे क्लिक कर दिया तो, अदरवाइज ये आपका नहीं करा तो आपका इंस्टेंटली आपका डेटा रिकवर करके दिखा सकता है आपको, बट आपको थोड़ा सा इनेबल डीप स्कैन वाले मेथड पे फोकस करना पड़ेगा, क्लिक करके जरूर देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं एक बार विदाउट डीप स्कैन से चेक करके देखता हूँ कि क्या मेरा सारा डेटा रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद देखना कि कितना फास्ट
तरीके से ये डेटा को रिकवर कर दिया, मतलब बात करते करते पूरा डेटा रिकवर कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है और साइड में आपका ये डेटा रिकवरी स्टार्ट करके इसने दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या बताया इसने, देखो कुछ मेरी सारी ऑलमोस्ट फाइल्स इतनी थी, कितनी टोटल फाइल्स हैं ऑलमोस्ट मेरी 17 के आसपास ही फाइल्स ही हैं, इतनी ही फाइल्स देखो कि वीडियोस भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एक्सीलेंट लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डेटा मेरा परफेक्टली रिकवर हुआ है, इसमें कोई भी मतलब गैप नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है कि नो ओवर रिटन क्लस्टर्स डिटेक्टेड, इसका मतलब है कोई भी हमने ओवर राइट नहीं किया उस फोल्डर के अंदर, कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया, मतलब परफेक्टली जो बोल सकते हैं डेटा सेक्टर थे मेरे बिल्कुल इतने स्ट्रॉन्ग थे उस फोल्डर के अंदर वो, कि मेरा पूरा का पूरा डेटा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शायद मिलेगा, हाँ ये दिखा है स्विच टू एडवांस मोड, यहाँ पर आपको क्लिक करके आप चाहते हो उसको प्रीव्यू करना कि डेटा मेरा वही है कि नहीं है, तो यहाँ पे स्विच टू एडवांस मोड पे क्लिक करना, तो आप यहाँ पे फोटोज को भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई फोटो पे क्लिक किया, देख लीजिए गाइस मेरी ये फोटो है, मैं इसको नीचे करता हूँ, ये सारी मेरी दुबई की फोटोज हैं और वो रिकवर हो गई, थैंक यू सो मच। ये सारी देखिए फोटोज हैं, ठीक है, जो भी मेरी थी, और कुछ वीडियोस भी हैं, यहाँ पे प्रीव्यू नहीं मिलेगा वीडियोस का, ये रिकवर करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना डेटा है मेरा, ये यहाँ पर जो डेटा है, चलो रिकवर करने के बाद ही पता चलेगा कितना डेटा रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिकवर पे क्लिक करता हूँ ये पूछता कौन से वाले फोल्डर पे करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पर अदर वाले पे, उसी पे दुबई वाले पे ही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये पूछना चाहता है डू यू वांट टू रिस्टोर द सेम ड्राइव, दिस रिड्यूस कैन बी द सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, ये रिकवरी मेरी स्टार्ट हो गई है, इसने मेरी जो टोटल 17 फाइल्स थी वो सारी की सारी मेरी यहाँ पर रिकवर होना स्टार्ट हो गई है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना स्टार्ट हो गई है। और वेट करते हैं थोड़ा सा, कितने 25 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा मेरा डेटा जो रिकवर करके दिखा देगा। गाइज मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि आप वास्तव में ही क्रूशल हो अपने डेटा से, डेटा के पार्ट से रिलेटेड, तो आप इस वाले सॉफ्टवेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, मतलब पेड सॉफ्टवेयर लेने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करना। उसके बाद यदि आपको लगता है कि डेटा मेरा ज़्यादा मतलब था और वो नहीं कर पाया ये सॉफ्टवेयर, ये इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, तो आप फिर पेड टूल पे जा सकते हो। तो यहाँ पर इसने रिकवर कर दिया मेरी 17 फाइल्स रिकवर कर दी, यहाँ पे क्या मैसेज आया कि टोटल रिकवर्ड 17 फाइल्स, फुल्ली रिकवर्ड 17 फाइल्स और पार्शली रिकवर्ड मतलब जीरो फाइल्स, मतलब पार्शली कोई भी नहीं है, पूरी कंप्लीट रिकवर हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया, चलता हूँ मैं दुबई विजिट वाले फोल्डर पे, और ये साइड में खुला हुआ है और देख सकते हैं कि ये सारा का सारा डेटा मेरा रिकवर हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको फोटोज, आप भी देख लो कि भाई दुबई की फोटोज कैसी थी मेरी। ठीक है, और वीडियोज भी देख लेते हैं, ओ माय गॉड वीडियोस, ठीक है थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता हूं। ये बुर्ज खलीफा की है, वाह सॉरी, तो इसको दूसरी वीडियोस को भी देख लेते हैं एक बार कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ये मेरी डेजर्ट सफारी जब मैं गया था घूमने, वाह, ये मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और ये परफेक्टली रिकवर हो गई है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ पे गया था मैं, डेजर्ट सफारी के अंदर ये बैली डांस हो रहा था, थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ये यहाँ पर बैली डांस हो रहा है फर्स्ट क्लास, और ये पूरी वीडियो मेरी रिकवर हो गई है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, एक वीडियो और दिखा देता हूँ आपको, ये वाली भी देख लेते हैं, इसमें कुछ स्टंट्स थे, ये भी ये भी मेरी पूरी रिकवर हो गई है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने रिकवरी करी, और थैंक यू सो मच कि मुझको यार ये सारा डेटा मिल गया, थैंक यू सो मच फॉर सी क्लीनर कि मुझको फ्री में मेरा सारा का सारा डेटा रिकवर हो गया यहाँ पर। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है पेड टूल की, बट जब मुझको एक्चुअली में रिकवर करना था तो इसी टूल के थ्रू मैंने ट्राई करके देखा एक बार कि क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ, और सक्सेसफुली मैं रिकवर करके तो मैं क्यों फ्री
टूल मतलब ज्यादा फ्री टूल को ही यूज करूंगा मैं, क्यों पे टूल पे जाऊंगा भाई, जब मेरा फ्री टूल नहीं सारा का सारा डेटा रिकवर कर दिया। और ये कोई वो नहीं है फिक्स कि आप अपने मतलब पर्टिकुलर कंप्यूटर में ही कर सकते हैं, आप अपने मेमोरी कार्ड को भी रिकवर कर सकते हैं, अपने जितना भी मेमोरी कार्ड का डेटा है, मोबाइल का डेटा है, एक बार ट्राई जरूर करके देखना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका सारा का सारा डेटा रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप मेरे इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो के मेथड से सेटिस्फाई हो कि मैंने किस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया, तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, जितने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग पे टूल पे जाते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पूरी पूरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से टिप्स ट्रिक्स और रिव्यू वीडियोस और फ्री वाली वीडियोस ज्यादातर मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।